आपकी कचौड़ी फूलती नहीं है, फट जाती है और सही नहीं बनती, तो ये मेरा तरीका देखो, कचौड़ी एकदम फूली फूली बनेगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बड़े से बर्तन में आप डालना थोड़ा सा मैदा, उसमें नमक अजवाइन का एक तड़का मार के भर के घी डाल देना। कोने कोने तक मैंने घी को फैला दिया है और फिर पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो बना लिया है। और इस आटे को गूंदते रहना है, 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 गूंदते रहना है। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब सोना चाहता हूँ। नहीं नहीं सोना नहीं है, सोना नहीं है। इस पॉइंट तक आपने आटा गूंदना है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा। इसको कवर करके आप आधे घंटे तक रखना। अंदर कचौड़ी का मसाला आप कैसे भी बनाओ, बस ध्यान इस बात का ये देना कि अगर फूली फूली कचौड़ी बनानी है तो मसाला अच्छे से भुना होना चाहिए। चाहे दाल का हो, प्याज का हो या मेरी तरह आलू का हो, मसाले को अच्छे से भुनना और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल देना, सारा पानी गायब हो जाएगा। आधे घंटे बाद आटे की मैंने लोइया बना ली है छोटी छोटी, और उसमें थोड़ा सा मसाला भरा है। ज्यादा भरोगे तो कचौड़ी फूलेगी नहीं, सीधा फट जाएगी। अब इसको गरम गरम नहीं ठंडे तेल में आपने यहाँ पर ये कचौड़ी डालनी है और नीचे कड़छी रख देना ताकि कचौड़ी जले ना। एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है मीडियम लो फ्लेम पर, और एक एक कचौड़ी एकदम फूली फूली बनेगी। क्या बात है सर।